हेलो एवरीवन, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक एटम है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसमें ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम हीट देते हैं। मान लीजिए हम डेल्टा वन इसको दे रहे हैं, तो अब ये एटम अपने स्टेट को चेंज कर लेता है और स्टेट को चेंज करके अब ये मान लीजिए कि गैसियस स्टेट में चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस गैसियस स्टेट में जब ये एटम चला जाता है तो वहां पे फिर से हम एक एनर्जी देते हैं, मान लीजिए डेल्टा टू, और इसके आउटर मोस्ट इतना एनर्जी देते हैं कि आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाए, ठीक है। तो जब ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया, यानी इस एटम पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी एनर्जी को, जो डेल्टा टू एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एटम है और ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने पहले गैस में बदल दिया और गैस में बदलने के लिए, गैसियस स्टेट में बदलने के लिए हमने इसको कुछ एनर्जी दिया और वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। अब जब ये गैसियस स्टेट में चला गया तो फिर हम एक इतना मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं ताकि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब कोई भी गैसियस एटम, आइसोलेटेड हम बोलते हैं यहां पे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आप इतना मिनिमम एनर्जी देते हैं कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, तो इस एनर्जी को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो पॉजिटिव में लिखा जाता है। और इसका अगर यूनिट अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ सकता है, ठीक है, या किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, आप अगर डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए, यहां से हमारा डेफिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, कि जब कोई भी एटम है उसको जब आप आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में ला लेते हैं और तब आप एक मिनिमम एनर्जी देते हैं जिससे उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके, तो इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर आप इसको डेफिनेशंस के फॉर्म में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हम लोग याद रखेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए, तो इस एनर्जी को आप क्या बोलोगे, तो देखिए यहां पे आप सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल रहे हैं, गैस में। जब सॉलिड से गैस में आप किसी भी सब्सटेंस को डायरेक्ट बदलते हैं तो वो कहलाता है सब्लिमेशन, और यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं एन्थैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है,
और इसको डेल्टा एच एस यू बी से डिनोट करते हैं, और ये भी एब्जॉर्ब होता है इसलिए इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब वो गैसेस स्टेट में चला जाता है, उसके बाद से हम उसको आपको आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन बोलते हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई गैसेस स्टेट में चला जाता है और तब हम वहां से मिनिमम एनर्जी देते हैं और तब हम वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम। अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ए गैस है, ठीक है, और इसको हमने इतना एनर्जी दिया, मान लीजिए कि इसको हमने IE1 दिया, तो ये चला गया किसमें, इसमें H प्लस में चला गया। तो जो यहां IE1 होगा, ये IE1 एब्सॉर्ब हो रहा है इसलिए इसकी वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एनायन है, ठीक है, और वो गैसेस स्टेट में है और उससे हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो ये जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, IE1 कहलाएगा। लेकिन यहां IE1 जो होगा, ये IE1 आपका किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आने का मतलब कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ सकता है, यानी -5.6 किलो जूल पर मोल ऐसे, ठीक है, यानी माइनस में वैल्यू आपका आएगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर न्यूट्रल है एटम या केटायन है आयन में, तो जब आप IE आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जब एनायन है और एनायन की बात करते हैं आप, तो एनायन में जब आप आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव आएगा। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और नेगेटिव का मतलब हुआ कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। यानी जब भी आप एनायन से निकालेंगे तो एनर्जी कम लगेगा निकालने में, या एनर्जी जो आप दे रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा, यानी नेगेटिव में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये नेगेटिव में वैल्यू होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव में वैल्यू होगा। अब अगर हम बात करें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की, अगर हम बात करते हैं, देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, इसको हम अब समझते हैं कि आखिर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास ए है और ये गैसेस स्टेट में है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये चला गया ए प्लस में और ये गैस में हो गया, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर हमने इसको ए प्लस 2 कर दिया, ये गैस में है, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 2। फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन निकाले, ये 3 में चला गया और ये हो गया गैस, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 3। और इस तरीके से हम इसको आगे ऐसे निकालते जाते हैं। तो जब आप एक ही एटम से बार 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 इस मैनर में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे इनका साइज छोटा होते जाएगा, या इनमें E/P रेशियो अगर आप निकालेंगे तो E/P रेशियो डिक्रीज होते जाता है। और देखेंगे कि जैसे जैसे आप एक ही से निकालते जाते हैं, यानी एटम के ऊपर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आते जाता है, वैसे वैसे आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो याद रखिएगा, सक्सेसिव के केस में अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी इसमें आप बोलेंगे कि I3
ज्यादा होगा आईई वन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे सक्सेसिव के बारे में समझेंगे। एक चीज और यहां से देखिए आता है कि अगर मैं बोलूं कि यहां से ए से ए प्लस में जा रहा है, तो ये जो एनर्जी है वो किसका एनर्जी है, इसके लिए एनर्जी होगा। यानी हम बोलेंगे आई ई वन ऑफ ए, ठीक है, इसको हम लोग अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे लिखते हैं आई ई वन ऑफ ए प्लस को हम लिख सकते हैं आई ई टू ऑफ ए। कैसे, देखिए अब इसको आप खत्म करिए, हटाइए। यहां से अगर आप यहां देखते हैं तो ए प्लस के लिए आई टू जो है वो एक्चुअली आई वन है। ये आई टू किसके लिए है, ये आई टू ए के लिए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे इस बात को हम समझ रहे हैं, अगर आप ए प्लस से ए प्लस टू में जा रहे हैं तो ये जो एनर्जी अगर आप लिखते हैं तो ये आई टू ना लिख के आप इसको लिख सकते हैं आई वन ऑफ ए प्लस, और यहां से अगर ये यहां तक जाता है तो इसको लिख सकते हैं आई टू ऑफ ए। यानी आई टू ऑफ ए किसके इक्वल हो सकता है, आई ई वन ऑफ ए प्लस। या इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि आई ई टू ऑफ ए प्लस, ठीक है, आई ई टू, ठीक है, यहां से अब यहां जा रहे हैं ए प्लस इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए आई ई टू मतलब ये हुआ कि ये आई इसके लिए आई वन हुआ और ये इसके लिए आई टू हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं आई ई वन ऑफ ए प्लस टू, या इसी को लिख सकते हैं आई ई थ्री ऑफ ए, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमको ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है और इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। आई ई वन आई टू आई थ्री किसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे, ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन आई टू को अगर ए प्लस के रिस्पेक्ट में बोलना होगा तो हम उसको आई टू नहीं लिखेंगे, आई ई वन ऑफ ए प्लस लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए अगर जा रहा है किसमें, ए प्लस में, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड आई ई वन ऑफ ए, ठीक। अगर यहां से यहां जा रहा है और ये ए प्लस टू में गया तो हम इसको लिखेंगे आई ई वन ऑफ ए प्लस, ठीक है जी। अगर ए प्लस टू से और आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे क्या, आई ई वन ऑफ ए प्लस टू। लेकिन ध्यान रखिएगा ए के रिस्पेक्ट में ये यहां पे आप बोलिएगा कि ये आई ई वन होगा, बी के इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो ये आई टू होगा। यानी आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई ई टू ऑफ ए, ठीक है जी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई ई थ्री ऑफ ए। तो इस तरीके से हमें इक्वेट करना होगा किसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वो यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम, और इसका ऑप्शन दिया है आई थ्री ऑफ एल हो सकता है, आई टू ऑफ एल प्लस हो सकता है, या आई ई वन ऑफ एल प्लस टू हो सकता है, या ऑल हो सकता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। एल्यूमिनियम है, गैसियस स्टेट में है,
इससे ये चला गया Al प्लस में, ये गैस है। फिर यहाँ से ये चला गया Al प्लस टू में, ये भी ये गैस है। और फिर यहाँ से ये चला गया Al प्लस थ्री में, ये भी आपका गैस है। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, IE1, इसके लिए लिख रहे हैं IE2, और इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग IE3। तो अब आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम लिखना चाहें कि IE1 ऑफ Al प्लस, तो इसको लिख सकते हैं IE2 ऑफ Al, ठीक है जी। दूसरा अगर आप लिखना चाहें IE1 ऑफ Al प्लस टू, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IE2 ऑफ Al प्लस, या इसी को लिख सकते हैं IE3 ऑफ Al, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी ऑप्शन सही है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी डी ऑल आंसर यहां पे आपका होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ AlAg। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो सारे आयोनाइजेशन एनर्जी को आप ऐड करिएगा IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, तो यहां पे हमारा टोटल एनर्जी पता चल जाएगा कि कितना रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सभी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल हमारा निकल जाएगा। आई स्पेस हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आर 7.646 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 15.035 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोजूल नीडेड टू कन्वर्ट इंटू Mg+2 आयन्स प्रेजेंट इन 12 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर विल बी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर आपके पास Mg है और ये गैस में है, तो इसको जाना है किसमें, Mg+ में। इसके लिए IE1 आपको दिया हुआ है 7.646 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोल रहा है कि Mg+ से इसको फिर ले जाना है Mg+2 में। इसके लिए IE2 जो दिया हुआ है वो 15.035 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल हुआ, यानी Mg को अगर किस में जाना है, Mg+2 में जाना है, तो यहाँ टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी जो आएगा, इन दोनों का समेशन आपको करना होगा, और जब इन दोनों का समेशन करिएगा तो 22.681 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, की बात कहें यहाँ पर मोल में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पर मोल यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल है, ठीक है, जब भी यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल की अगर बात करते हैं, तो ये वैल्यू आपका आ जाता है 2188.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में दिया, हमने इसको ऐसा चेंज कर लिया। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो 22 मिलीग्राम है इसको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सॉरी 12 मिलीग्राम ऑफ Mg अगर आप लेते हो, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कितना मोल में, अगर आप इसको बदलना है तो पहले इसको ग्राम में बदल दीजिए, तो ग्राम में बदलने के लिए इसको आप लिखते हैं 12, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम,
और इसको मोल में बदलिएगा तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास, तो 12 डिवाइडेड बाय 24 और इंटू 10^-3 ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो 0.5 इंटू 10^-3 ये आपका मोल हो गया। अब एक मोल एमजी को Mg+2 वेपर्स में जाने में कितना एनर्जी लग रहा है जी, 2188.6 किलो जूल पर मोल, तो इतना को जाने में कितना लगेगा। तो इसलिए यहां पे टोटल आप एनर्जी निकाल लीजिए, टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 0.5 इंटू 10^-3 इंटू 2188.6 किलो जूल और सॉल्व करिएगा तो यह आएगा इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे हमारा आंसर आपका इतना आ गया, ठीक है। ये इतना आंसर आपको लगेगा, यानी इतना एनर्जी आपको चाहिए 12 मिलीग्राम एमजी को Mg+2 वेपर्स में बदलने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम यहां पे दे रहे हैं कि कोई एम गैस है और इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां डेल्टा एच दिया है, इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी मानेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब आप एम से दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां डेल्टा एच की वैल्यू दी है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर आपसे पूछता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसको पहले हम बनाते हैं कि हमारे पास जब मेटल है तो ये मेटल जब गैस है तो ये गया होगा पहले किस में, एम प्लस में, और फिर एम प्लस से किस में चला गया, एम प्लस टू में, और ये भी गैस में चला गया। इसको आप बोल रहे हो IE1 और इसको बोल रहे हो आप IE2, ठीक है। यानी आप क्या देख रहे हो, क्या क्या आप यहां पे लिख सकते हो, इसको पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं बोलूं कि IE1 ऑफ M जो गैस है वो दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात सही। देखिए यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है IE1 M प्लस, तो अगर मैं बोलूं कि IE1 ऑफ M प्लस, ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है, तो IE1 ऑफ M प्लस को हम देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो IE2 ऑफ M गैस, ठीक है। अब जो आपका IE2 है यहां पे, ये जो वैल्यू है उसको हम लोग यहां पे देखते हैं तो किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये IE1 प्लस IE2, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IE1 प्लस IE2 और ये आपको दिया है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो आप देखिए यहां पे IE1 का जो वैल्यू है वो दिया है कितना, 100, तो IE2 आप निकाल सकते हो 250-100 तो आएगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन IE2 ऑफ M, देखिए IE2 ऑफ M तो हम निकालेंगे अगर यहां पे तो वो आपका 250 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो IE2 ऑफ M अगर आप निकालोगे
तो आई टू ऑफ एम अगर निकालने चल रहे हो तो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो ये आंसर आपका ये होगा। तो इस तरीके से हम इस पे बेस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको पढ़ना जरूरी है, और उस बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि कब आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ने वाला है और कब आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा है एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एटॉमिक साइज को बढ़ा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटने वाला है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि साइज बढ़ने से जो होगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका घटेगा, और साइज घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो देखिए, होता क्या है कि जब साइज, एटम की साइज डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर पुल यानी न्यूक्लियस का पुल ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और जब पुल ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। या आप इसका उल्टा सोच सकते हैं कि अगर साइज बढ़ रहा होगा तो न्यूक्लियर पुल घट रहा होगा। आप इसको अगर ऐसे सोचते हैं कि अगर साइज बढ़ रहा होगा तो ये न्यूक्लियर पुल, एनपी लिख रहा हूं मैं, ये घट रहा होगा, और जब न्यूक्लियर पुल घटेगा तो आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसमें हमें कम एनर्जी देना होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, हम पीरियोडिक टेबल में दो बात करते हैं। एक तो पीरियड की बात करते हैं, पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो, और ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, और जब साइज डिक्रीज होगा तो आप अपने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। ग्रुप की बात करते हैं, डाउन जब आते हैं तो साइज इंक्रीज होने लगता है, और जब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटना शुरू होगा। यानी आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे और भी कुछ फैक्टर है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जनरल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और इन ग्रुप टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होने वाला, घटने वाला है। अब देखिए, हम बात करने आ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। जेड इफेक्टिव क्या होता है कि जब आप न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के ऊपर हम चार्ज निकालते हैं जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस पे चार्ज अगर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होने लगेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जेड इफेक्टिव जो होता है वो डोमिनेंट होता है पीरियड में। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पीरियड की बात करते हैं तो
पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड में डोमिनेंट होता है जबकि ग्रुप में डोमिनेंट नहीं होता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में भी नीचे आने पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन उसमें शेल नंबर भी इंक्रीज होता है, इसलिए वहां पे जेड इफेक्टिव जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो डोमिनेंट फैक्टर वहां पे नहीं होता है। इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल। देखिए पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल का मतलब होता है कि जो सबसेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है उस पे न्यूक्लियस ज्यादा पुल लगाएगा तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना आसान नहीं होगा। तो सबसे न्यूक्लियस के क्लोज होता है S, उसके बाद होता है P, उसके बाद होता है D, उसके बाद होता है F। तो जो आपका पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है किसका, दिस इज पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर, पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर। अगर आपसे बोला जाए पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर क्या होता है तो S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। इसका ये मतलब होता है कि जहां जिस पे ज्यादा न्यूक्लियर पुल लगेगा वो ज्यादा पेनिट्रेटेड रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो ये भी बात देखना होगा। यानी S से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, P से उससे थोड़ा कम लगेगा, D से उससे थोड़ा कम लगेगा और F में सबसे कम एनर्जी आपको देना होगा। तो ये तो एक बात होगी आपका पेनिट्रेशन में कि पेनिट्रेशन पावर या ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे, फिर एफ पे, और जैसे अट्रैक्शन घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपका घटना शुरू होगा। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल ले रहे हैं वो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास बेरिलियम है और आपके पास बोरोन है। बेरिलियम का जेड जो होता है वो 4 होता है और बोरोन का जो जेड होता है वो 5 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो इसको लिखते हैं 1s2 और इसको लिखते हैं 2s2, इसको लिखते हैं 1s2, इसको लिखते हैं 2s2 और इसको लिखते हैं 2p1। अब देखिए यहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हम सोचते हैं, तो यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है और यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, ठीक है। अब आप पेनिट्रेशन पावर की अगर आप बात करेंगे तो न्यूक्लियस का पुल किस पे ज्यादा लग रहा होगा, s पे ज्यादा लग रहा होगा और p पे कम लग रहा होगा। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा किससे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ बोरोन से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बातों को समझना होगा। इसके अलावा भी और सब बहुत सारा फैक्टर है, स्टेबिलिटी फैक्टर भी काम करेगा, उस पर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा P3 मिले या आपके पास D5 मिले या आपके पास F7 मिले, तो ये हो गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या फुल फील्ड की बात करें, अगर आपके पास S2 मिले, P6 मिले, D10 मिले और F14 मिले, तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से यानी एटम जब मोर स्टेबल होगा वैसे केस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब स्टेबिलिटी बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आप नाइट्रोजन लूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन लो, तो देखिए ये दोनों
एक ही पीरियड में है, और जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। ऐसा होने से आप बोलना चाहिए आपको कि आयनेशन एनर्जी आपका बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और ये 2p3, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हाफ फील्ड से ज़्यादा है, और जबकि ये हाफ फील्ड है तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेंट नहीं करेगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको पता चल जाए कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो ऐसे केस में भी आपका ये आयनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट होता है, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर किसका ज़्यादा है और किसका कम है। अब देखिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है और हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसका अगर लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो गया 3s1, ठीक है। ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो गया 3s2 और ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो गया 3s2 और 2p1। अब देखिए अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होता, हम बोल देते कि एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा सोडियम से, लेकिन यहाँ पे ये साइज फैक्टर काम नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे आप देखिए ये 3s2 है और ये 3s1 है और ये 2p है, तो s का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है किससे, p से, तो मैग्नीशियम का जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए किससे, एल्युमिनियम से, ठीक है। देखिए जो हम तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा और फिर सोडियम का होगा। देखिए कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि यहाँ तो 3s ज़्यादा पेनिट्रेट होगा किससे, पी से, 3 होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं ना, वो जस्ट एडजेसेंट में डोमिनेंसी होती है इसकी, बहुत दूर इसकी डोमिनेंसी नहीं होता है। तो इस वाले केस में जो हम बात कर रहे हैं, पेनिट्रेशन पावर की भी बात कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे फुल फील्ड है जो एस ऑर्बिटल है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो लेकिन इन दोनों में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, तो एल्युमिनियम का साइज छोटा होता है किससे, आपका सोडियम से, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा सोडियम से। तो ये हमें ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। तो ये किसका ऑर्डर है, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर देखिएगा तो वहां बदल जाता है। देखिए वहां पे अगर ऐसे Mg+1 ले लीजिए, एल्युमिनियम प्लस ले लीजिए और सोडियम प्लस ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 8। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये पूरा इस तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा तो इसका S वाला जो होता है वो ज़्यादा फील्ड है, फुल फील्ड हो गया और ये हाफ फील्ड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आज हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में
हम लोग ई पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने या घटने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या अंतर आता है, कैसे वो अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी या आप बोल सकते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, देखिए यहां आयरन के तीन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक में आयरन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक में आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक में आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखिए हम जानते हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है तो साइज ऑफ एटम क्या होने लगता है, डिक्रीज होता है, और ऐसा होने से जो न्यूक्लियर पूल है या न्यूक्लियस का जो पूल है आउटर मोस्ट शेल पे वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसमें गेस कर सकते हैं कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, फिर प्लस टू और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी आयरन का होगा। अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन माइनस टू है, इस पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है और इस पे माइनस टू है, जीरो माइनस टू से लार्ज है मतलब बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए समझते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए अगर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस इसको अपने तरफ पुल करता है, अपने तरफ खींचता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, ये मान लीजिए आउटर मोस्ट है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है वैसे वैसे इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट पे जो पुल होता है, जो न्यूक्लियर पुल होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इनर इलेक्ट्रॉन है और इस इनर इलेक्ट्रॉन्स के आने से इस न्यूक्लियस का जो पुल लगना चाहिए इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो अब नहीं लग रहा है, वो अब डिक्रीज करने लग रहा है। तो इसी कंडीशंस को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं या हम इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमारे एटम के अंदर अगर शील्डिंग इफेक्ट SE से लिख रहे हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ने लगेगा, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगेगा मतलब इनर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लगेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करना शुरू करेगा और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का पुल घटता जाएगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जब न्यूक्लियस का पुल घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है जी, तो इस बात को हमें याद रखना है। ये एक तरीके से क्या है, इसको देखिए आप समझिए, मान लीजिए कि आप यहां पे कुछ देख रहे हैं, इस एरिया में आप
यहाँ पे किसी चीज को देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हैं और बैठ के आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अब जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको क्लियर कट देख पा रहे हैं, आप एक एक चीज को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन अब क्या किया गया कि आपके और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक पर्दा को लगा दिया गया, एक स्क्रीनिंग कर दिया गया, और तब बोला जाएगा कि अब आप देखिए कि इस साइड में आप पूरे अच्छे तरीके से देख पाते हैं क्या। तो ये जो कर्टेन आपने लगाया ये आपको इसको और इसको क्या किया, स्क्रीन कर दिया, यानी अब आपकी विजिबिलिटी पावर जो पहले थी वो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का केस होता है एटम के केस में कि एटम का न्यूक्लियर पुल आउटर मोस्ट पे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और जैसे ही न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा इसका मतलब हुआ कि वहां शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया और इसके चलते आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे एक टर्म आता है उसको हम लोग जानेंगे, एक टर्म आता है सिग्मा, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। और ये अगर बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। देखिए हम लोग एक निकालेंगे जेड इफेक्टिव, और ये जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, जहां जेड होता है एटॉमिक नंबर और सिग्मा जो होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो हम जैसे ही जब ये आएगा उस समय हम आपको कैलकुलेट करके ये बताएंगे कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे और इसका क्या असर पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी पर। देखिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिथियम है, आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और देखिए साइज जब इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होता है, चाहे ये आयन के फॉर्म में भी रहे, यहाँ पे अगर लिथियम प्लस रहे, यहाँ पे आपका सोडियम प्लस रहे, यहाँ पे पोटेशियम प्लस रहे, रूबिडियम प्लस रहे, सीजियम प्लस रहे, ये जनरल ऐसा ट्रेंड है, नीचे आने पे साइज इंक्रीज कर रहा होगा तो आईई आपका क्या रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो ग्रुप में इस तरह का ट्रेंड हमारे सामने आता है और लगभग यही फॉलो होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है उसको हम लोग देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड की अगर बात करें तो देखिए आप लोग को मालूम है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये राइट जाते हैं, तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। लेकिन ऐसा रेगुलर ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस है उसको हम लोग अब यहाँ देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो आप जनरली क्या जानते हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है तो आईई आपका इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ है प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे देखना होगा। देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लिथियम का फिर बोरोन का बेरिलियम का फिर आपके पास क्या है कार्बन का फिर ऑक्सीजन का फिर नाइट्रोजन का फिर फ्लोरीन का और सबसे लार्ज में हम लोग बात करेंगे नियॉन का। अब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये वाला केस गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, पेनिट्रेशन के बेसिस पे अगर आप बात करते हैं तो बेरिलियम की अगर बात करते हैं तो देखिए बेरिलियम का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2s2 आता है, जबकि आपका बोरोन के केस में 2p1 आता है। तो आपको मालूम है
कि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है पी से, तो इसलिए यहाँ पे बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है किससे, बोरन से। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो नाइट्रोजन का और इसका, तो यहाँ पे ये 2p3 में होता है और ये 2p4 में होता है, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो है इरेगुलरिटीज है वो आपको यहाँ पे देखिए नियॉन का साइज सबसे लार्ज है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके आप देखिएगा 2s2 और 2p6 है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा और वैसे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो ये कुछ आपका एग्जाम्पल है जो हमें हर एक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देखना है। देखिए ग्रुप में कुछ एक्सेप्शन है, गैलियम जो होता है वो एल्युमिनियम के नीचे होता है लेकिन गैलियम का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है एल्युमिनियम से। हॉफमियन और जर्कोनियम, यहाँ पे देखिए 5d सीरीज का ज्यादा होता है 4d सीरीज से, इसका रीजन होता है इनके अंदर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये अप्रोप्रिएट पॉइंट आएगा वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहीं कहीं कुछ इरेगुलरिटीज भी मिलती है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए अब हम आप बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखिए मेटालिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर के लिए, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है, ठीक है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉन मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर, अब मान लीजिए कि आपके पास जैसे सोडियम है, आपके पास जैसे पोटेशियम है, रुबीडियम है, ये सब मेटल है, तो इनके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होगा वो लो आएगा, जबकि आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास ब्रोमीन है, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, ये नॉन मेटल है तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो आप इस तरीके से आप आयोनाइजेशन एनर्जी को देख के बता सकते हैं, यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगा, लो होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हो, और जिसका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो अपने से तुरंत इलेक्ट्रॉन को लूज करके और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब होता है वो अपने में इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या लाता है, नेगेटिव चार्ज लाता है। तो जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो मेटल होते हैं जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए और यहाँ पे आपका हाई। देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी, अगर किसी का भी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर दो एटम का अगर रिएक्टिविटी आपको पहचानना है और उनका आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है तो आप वहां से उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि रिएक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, या रिएक्टिविटी अगर घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के या आयोनाइजेशन एनर्जी के। जैसे अगर आप देखिए हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं गैसेस स्टेट में, तो जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो साइज घटता है, और जब साइज घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप एक्वस कैरेक्टर में, एक्वस कंडीशन में देखते हैं, अगर ये रिएक्शन अगर आप पानी में कराते हैं,
एक्वस स्टेट में देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आता है, और वहां पे देखिए क्या चेंज आता है, वहां पे लिथियम का बढ़ जाता है किससे, पोटेशियम से, और पोटेशियम और रुबिडियम का इक्वल होता है इसका सीजियम से, और सबसे कम जो होता है वो सोडियम का होता है। तो इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहां पे दो केस हम देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक निकाल रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे देखा कि Ie2 - Ie1 का अगर डिफरेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि सक्सेसिव डिफरेंस अगर लेस देन और इक्वल हो जाए 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहां देखिए सोडियम, जब सोडियम प्लस में जा रहा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी I1 है, और जब सोडियम प्लस टू में जा रहा है तो यहां पे सोडियम का यहां से Ie2 है आयनाइजेशन एनर्जी, और इन दोनों का डिफरेंस अगर यहां पे देखिए 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें बोलेंगे कि जो Na+2 है वो ज्यादा स्टेबल है इसके अकॉर्डिंग। उसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा हो कि Mg है और ये जा रहा है Mg+ में, ठीक है, और फिर आपके पास Mg है प्लस है और ये जा रहा है Mg+2 में, और इन दोनों के बीच का और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वैसे केस में यहां पे हमने क्या बोला, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहां पे ये वाला जो होगा फर्स्ट वाला हायर नहीं होगा, यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि यहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेसिक करेक्टर। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है या आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक प्रॉपर्टी का, यानी अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक करेक्टर जो होगा या बेसिक प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस चीज को यहां पे देखिएगा, यहां पे जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे अगर आपके पास है M2O है, तो इस तरह का अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, देखिए मेटल ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होता है, तो ज्यादा बेसिक होगा किससे, MO टाइप से, ठीक। जैसे देखिए आपके पास Na2O है तो ये ज्यादा बेसिक होगा MgO से, आपके पास NaOH है, ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा MgOH वोल्ट वाइज से, आपके पास CH2O है ये ज्यादा होगा Rb2O से, ये ज्यादा होगा K2O से, ये ज्यादा होगा Na2O से, और ये ज्यादा होगा Li2O से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सब एक ही ग्रुप में है, और ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो इनका बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन में ये सब चीज सीखे कि कैसे हम बेसिक करेक्टर बता सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। तो ये सारा आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है।